टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। सऊदी अरब द्वारा एशिया के लिए अपने तेल की कीमतें बढ़ाए जाने की उम्मीद है। व्यापारियों ने कहा है कि रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद वैश्विक आपूर्ति बाधित होने के बीच मध्य पूर्व के बेंचमार्क में मजबूत लाभ पर नजर रखते हुए शीर्ष तेल निर्यात सऊदी अरब मई में एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमतों को नई ऊंचाई तक बढ़ा सकता है। वहीं रॉयट्स के अनुसार उसके सर्वेक्षण से पता चला है कि मई में प्रमुख अरब लाइट क्रूड का आधिकारिक ब्रीक मूल्य यानी कि ओएसपी औसतन $5 प्रति बैरल की वृद्धि के साथ दुबई से लगभग $10 प्रति बैरल से ज्यादा तक पहुंच सकता है, जो इस ग्रेड का अब तक का उच्चतम प्रीमियम है। वहीं यूक्रेन संघर्ष पर यूरोपीय और अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से संयुक्त रूप से क्रूड और ऑयल उत्पादों का दुनिया के शीर्ष निर्यातक रूस से खरीदारों द्वारा तेल लेना बंद करने के बाद मई में लोड होने वाले कार्गो के लिए मध्य पूर्व स्टॉक क्रूड प्रीमियम ने इस महीने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रूस के रिफाइनिंग उत्पादन और डीजल निर्यात में कटौती के कारण मध्यम डिस्टिलेट के लिए रिफाइनर का मार्जिन भी इस महीने सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि सुस्त व्यापार में स्पॉट प्रीमियम पिछले सप्ताह के शिखर से आधा हो गया है, जिससे कुछ खरीदारों ने सऊदी तेल की कीमतों में छोटी बढ़ोतरी का आश्वासन किया है। तो ये थी बात कि सऊदी अरब में मई में जो महंगा कर देगा अपना कच्चा तेल, और इससे एशियाई देशों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।